छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसी ऐतिहासिक किले को एक्सप्लोर करने के लिए जो पड़ता है महाराष्ट्र राज्य के पुणे डिस्ट्रिक्ट के जुन्नर गांव में, और इसी किले पर वीर सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था और इस किले का नाम है शिवनेरी फोर्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं शिवनेरी फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए जो पड़ता है महाराष्ट्र राज्य के पुणे डिस्ट्रिक्ट के जुन्नर रीजन में, और इसी फोर्ट पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप शिवनेरी फोर्ट कैसे पहुँच सकते हैं, शिवनेरी फोर्ट को चढ़ने के लिए आपको कितना समय लगेगा और फोर्ट पर आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ऐसी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जुन्नर को छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मभूमि के भी नाम से जाना जाता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं शिवनेरी फोर्ट के बेस पर, और बेस पर है ना, आप अपनी टू व्हीलर और फोर व्हीलर है ना यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, और हमसे कोई चार्जेस नहीं लिया गया है पार्किंग का। तो यहाँ से हमें शिवनेरी फोर्ट की ओर चढ़ना स्टार्ट करना है, और चढ़ने के पहले है ना आपको यहाँ पर है ना एंट्री करना पड़ता है। तो अभी के बज गए हैं 12 और हमने शिवनेरी फोर्ट की ओर चढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और आज मैं अकेले नहीं हूँ, आज मेरे साथ मेरे भाई लोग आए हैं। तो आज मेरे साथ है मेरा भाई चेतन, साहिल और विदुर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप शिवनेरी फोर्ट कैसे पहुँच सकते हो। शिवनेरी फोर्ट आने के लिए जो सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन है वो है पुणे जंक्शन। पुणे जंक्शन से शिवनेरी फोर्ट केवल 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। पुणे जंक्शन से आपको काफी सारे बसेस मिल जाएंगे जो आपको जुन्नर बस स्टैंड तक ड्रॉप कर देंगे। जुन्नर बस स्टैंड से शिवनेरी फोर्ट केवल 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। जुन्नर बस स्टैंड से आपको शेयरिंग जीप और डायरेक्ट बस मिल जाएगी जो आपको शिवनेरी फोर्ट के पार्किंग एरिया तक छोड़ देगी। अगर आप डायरेक्ट मुंबई से शिवनेरी फोर्ट आना चाहते हैं तो आपको मुंबई से डायरेक्ट बसेस मिल जाएगी जो आपको जुन्नर बस स्टैंड तक छोड़ देगी। और अगर आप खुद के व्हीकल से आना चाहते हैं तो आपको बस गूगल मैप पर डालना है शिवनेरी फोर्ट पार्किंग एरिया, और आप बहुत ही आसानी से शिवनेरी फोर्ट के बेस तक पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा ही दूर आप चल के आओगे ना तो आपको पहला दरवाजा दिख जाएगा जो कि है महादरवाजा। किले की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कई दरवाजे बनाए गए हैं, और हर दरवाजे का एक अपना इतिहास है। बहुत ही शानदार दरवाजा आप देख सकते हैं, और ठीक ये दरवाजे के बगल में ही ना आपको सीढ़ी दिखेगी, तो इस सीढ़ी से आप ऊपर जाइए और ऊपर से जो व्यू दिखता है ना वो काफी खूबसूरत सा व्यू दिखता है। तो चलिए फिर अभी मैं आपको व्यू भी दिखाता हूँ यहाँ से। तो अभी हम पहुंच गए हैं सेकंड दरवाजा पर, और जिसका नाम है गणेश दरवाजा, और ये ठीक आप सामने देख सकते हैं ये है गणेश दरवाजा। तो अभी हम पहुंच गए हैं तीसरे गेट पर जिसका नाम है पीर गेट। बीच बीच में ना बैठने के लिए भी बनाया गया है, तो अगर आप थक जाओगे ना तो आप ऐसी जगह पर बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सामने आप देख सकते हैं ये है गुलमोहर का झाड़, और यहाँ पर है ना आपको काफी सारे फूलों के झाड़ देखने मिलेंगे इस किले पर।
अभी हम पहुंच गए हैं हाथी दरवाजा के यहाँ पर, जो कि यहाँ का चौथा दरवाजा है। और ठीक है, सामने आप देख सकते हैं ये है हाथी दरवाजा। और हाथी दरवाजा के जस्ट बगल में ही थोड़ा सा आप ऊपर क्लाइंब करके आओगे ना, तो यहाँ पर एक आपको वाटर टैंक देखने मिलेगा और एक यहाँ पर सेकेंड वाटर टैंक है। और ये ठीक आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर शिवलिंग भी है, ठीक है, वाटर टैंक के बगल में ही। तो बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव। यहाँ से रास्ता डाइवर्ट हुआ है, तो ये जो ऊपर की ओर जा रहा है वो डायरेक्टली शिवनेरी के टॉप तक जाता है, और ये जो स्ट्रेट जा रहा है वो जाएगा शिवाई देवी मंदिर की ओर। तो चलिए फिर अभी देवी माँ के दर्शन करते हैं एंड देन वहां से हम जाएंगे शिवनेरी फोर्ट के टॉप पर। अभी हम पहुंच गए हैं पांचवें गेट पर, जो कि है शिवाई देवी गेट, और ठीक यहां से हमें जाना है देवी माँ के दर्शन करने के लिए। और बगल में ही नीचे की ओर भी एक रास्ता है जहाँ पर आपको काफी सारे केव्स देखने मिलेंगे। तो पहले देवी माँ के दर्शन करते हैं एंड देन हम जाएंगे नीचे की ओर। शिवाई देवी के नाम पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि शिवाई देवी माँ पार्वती के रूप है। तो अभी हमारा देवी माँ के दर्शन करके हो गए, और अभी हम जा रहे हैं इस बगल जहाँ पर आपको काफी सारे केव्स देखने मिलेंगे। तो ये सामने आप देख सकते हैं ये पहला केव है, और ये अंदर कुछ ऐसा है। तो मैं भी उस समय यहाँ पर लोग मेडिटेशन वगैरह करते होंगे। और ये केव से सामने का नजारा देखिए। ऐसे लाइन में ना आपको यहाँ पर काफी सारे केव्स देखने मिलेंगे। तो अभी मैंने जो आपको पहला केव्स दिखा दिया है, तो अभी आप सीधे चल के जाओगे ना तो आपको यहाँ पर एक दूसरा केव भी देखने मिलेगा। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ के सेकंड केव पर, और यहाँ केव के बाहर ही बहुत ही पुराने लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा गया है। तो और ये सामने आप देख सकते हैं ये है सेकंड केव। ये सारे केव्स बुद्धिस्ट के समय के हैं। थोड़ा सा आगे आप आएंगे ना तो आपको ये स्तूपा देखने के लिए मिलेगा, और ठीक ये स्तूपा के बगल में ही मंदिर है। काफी कम लोग आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप भी जब शिवनेरी फोर्ट एक्सप्लोर करने आओगे तो इस बगल जरूर आइएगा, क्योंकि इस बगल आपको काफी सारे गुफाएं, स्तूपा और मंदिर देखने मिलता है। तो चलिए फिर अभी चलते हैं शिवनेरी फोर्ट के टॉप पर। इस फोर्ट पर है ना साफ सफाई पर ना बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। आप देख सकते हैं कहीं भी थोड़ा सा भी आपको कचरा देखने नहीं मिलेगा इस फोर्ट पर। यहाँ पर है ना आपको शौचालय की भी सुविधा दी गई है, और ठीक इस बगल है डस्टबिन। तो कृपया करके आप जो भी अपने साथ कचरा लेके आएंगे ना तो इस डस्टबिन में ही डालिएगा, यहाँ वहाँ ना फेंकिएगा। तो अभी हम पहुँच गए हैं मेना दरवाजा के यहाँ पर, और ये ठीक आप सामने देख सकते हैं। तो ये ठीक आप सामने देख सकते हैं ये है कुलूप दरवाजा, जो कि इस किले का लास्ट दरवाजा है। अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ के अंबर खाना में, जहाँ पर फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता था। तो चलिए फिर अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ अंबर खाना कैसे दिखता है।
इस फोर्ट पर है ना जगह जगह पर ना पानी की भी सुविधा है, तो अगर आपका पानी खत्म हो जाएगा ना तो आप पानी भी भर सकते हैं। तो काफी अच्छा फोर्ट है और काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है इस फोर्ट पर। तो अभी हम पहुंच गए हैं गंगा जमुना टाकी पे, और ये ठीक आप सामने देख सकते हैं, ये है गंगा जमुना टाकी। यहाँ का पानी आप देख सकते हैं थोड़ा सा गंदा है, लेकिन ये अंदर का बहुत ही ज्यादा क्लीन है पानी, आप ये देख सकते हैं, और अंदर बहुत ही ज्यादा ठंडा भी लग रहा है। किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी मां जीजाबाई का स्मारक बनाया गया है। तो अभी हम पहुंच गए हैं शिवनेरी फोर्ट के टॉप पर, और यहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ लगा 2 घंटा। तो ये ठीक आप सामने देख सकते हैं, यहां पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो अभी मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ वहां पर पहुंच के। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले पर हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी बाजीपुर के सुल्तान आदिल शाह की सेना में एक सेनापति थे। लगातार हो रहे युद्ध के कारण शाहजी अपनी गर्भवती पत्नी जीजाबाई की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को शिवनेरी किले पर भेज दिया। शिवनेरी किला चारों ओर से खड़ी चट्टानों से घिरा एक अवैध गढ़ था। ये सामने आप देख सकते हैं, ये है छत्रपति शिवाजी महाराज के बालपन का झूला। तो ये ठीक आप सामने देख सकते हैं, यहीं पे छत्रपति शिवाजी महाराज बालपन में नहाया करते थे। तो थोड़ा मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। तो ये है उनका बाथ ट्यूब, तो यहाँ से पानी वगैरह आता था और वो यहाँ पर स्नान किया करते थे। तब यहाँ पर ऊपर पे भी वॉल हुआ करता होगा, लेकिन अभी के टाइम पे वॉल नहीं है, और ये पूरा ऐसा छोटा सा वाड़ा है। तो ठीक छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान के बगल में ही आपको ये बहुत ही बड़ा बादामी तालाब देखने मिलेगा, और मॉनसून के टाइम पे यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं कडेलोट पॉइंट देखने के लिए, जो कि शिवनेरी फोर्ट का लास्ट पॉइंट है। तो ये ठीक आप सामने देख सकते हैं, ये है शिवनेरी फोर्ट का लास्ट पॉइंट कडेलोट पॉइंट, और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर लोगों को सजा दिया जाता था और इस पॉइंट से लोगों को नीचे गिरा दिया जाता था जो भी गद्दारी करते थे। आपको शिवनेरी फोर्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको एक नए ट्रेवल ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, साइनिंग ऑफ फ्रॉम शिवनेरी फोर्ट।